सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिंह डीएसबी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी तकनीक के बारे में जिसने मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया है, और इस तकनीक का नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या आपने कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर IoT के विषय में सुना है? ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे कि बहुत ही जल्द हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके घर में सब्जी कौन लाता है? इसका जवाब है शायद आप या फिर आपके कोई परिवार का व्यक्ति। कैसा लगेगा आपको यदि मैं कहूँ कि क्यों ना आपका फ्रिज खुद ब खुद सब्जी की अवेलेबिलिटी चेक करके खुद सब्जी के लिए ऑर्डर प्लेस कर दे? है ना ये बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी। बस मैं इसी के विषय में आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन को और भी आसान बनाने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से हमारे सारे काम ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। हमें उनके विषय में और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें अपने दैनिक काम करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कैसा होगा अगर दुनिया की सारी चीज़ें जिसे कि दैनिक इस्तेमाल में लाया जाता है अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, तब इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये सारे कनेक्टेड डिवाइस एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकें जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। अगर इसे मैं आसान भाषा में कहूँ तब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। इन उपकरणों के भीतर सभी दैनिक में इस्तेमाल हो रहे चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि सेलफोन्स, कॉफ़ी मेकर्स, वॉशिंग मशीन, हेडफोन्स, लैंप्स और सारे वियरेबल डिवाइसेस, और वो सब कुछ जिसके विषय में आप सोच सकें। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण का सहारा लेते हैं जिससे आप और भी बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। सोच लें कि आप सुबह के समय में अपने पलंग पर लेटे हुए हैं और आपको नींद भी आ गई है। इतने में आपके हाथों में स्थित सेंसर्स को आपके हार्ट रेट में कुछ असामान्य लगता है, सांसें बढ़ने लगती हैं, आपके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आता है। इसलिए आपको धीरे से उठाने के बदले में ये यंत्र बड़े ज़ोरों से वाइब्रेट करने लगते हैं जिससे कि आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इतने में आपकी नींद टूट जाती है और आप अपनी छाती को पकड़कर वहीं अपने शरीर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। इतने में आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप अपने फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आप मोबाइल की स्क्रीन खोलते हैं आपको वहाँ पर एक मैसेज दिखाई पड़ता है जिस पर ये लिखा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, और इसके साथ आपको एस्प्रिन लेने की सलाह भी देता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ वो आपके सारे सिग्नल्स को रिकॉर्ड भी कर लेता है और उन्हें आपके डॉक्टर के पास भेज देता है। वहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आपके डेटा को इवेल्यूएट कर रहे होते हैं और उनके ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें लगता है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल में आ जाना चाहिए, और इसके लिए वे इलेक्ट्रॉनिकली एक इमरजेंसी मेडिकल टीम भी भेज देते हैं जिनके पास आपके हेल्थ का सारा डाटा मौजूद होता है और वह आपके घर का एड्रेस भी जानता है। जैसे ही वह आपके घर के निकट आता है आपको उनके आने का मैसेज भी आ जाता है। तुरंत ही वो आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुबह जब डॉक्टर आपके पास आते हैं तब आपको एक खुशखबरी देते हैं कि आपका स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है और आपको अब चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन समय में ट्रीटमेंट होने के कारण एक बड़ी मुसीबत को पहले ही रोक लिया गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बना सकता है।